हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं आसनसोल शहर की, जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक आकर्षक और मशहूर शहर है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता के बाद आसनसोल दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आसनसोल को ब्लैक डायमंड की भूमि और ब्रदरहुड का शहर के नाम से भी जाना जाता है। आसनसोल पश्चिम बंगाल के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है और यहाँ के बिजनेस ट्रेड सेंटर्स में आसनसोल का नाम दर्ज है। आसनसोल सिटी की अर्थव्यवस्था यहाँ के प्रमुख इस्पात उद्योग, कोयला उत्खनन और रेलवे पर निर्भर है। आसनसोल पर्यटन स्थल, भारत के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, खूबसूरत पार्कों और ऐतिहासिक विरासत वाले मंदिरों से सुशोभित है। आसनसोल शहर दामोदर नदी के किनारे पर उगने वाले महत्वपूर्ण पेड़ों की प्रजाति के लिए भी जाना जाता है। वही ये शहर भारत में सबसे तेजी से विकास करने वाले स्थानों में 11वें पायदान पर पहुंच चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आसनसोल शहर दामोदर नदी और अजय नदी के बीच विराजमान है। ये मेट्रो सिटी 1615 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर विस्तृत है। 2011 में यहाँ आखिरी बार जनगणना हुई थी, जिसके आंकड़ों के अनुसार यहाँ की आबादी में 30 लाख लोग शामिल हैं, जो जनसंख्या के लिहाज से पश्चिमी बंगाल का दूसरा अधिकतम आबादी वाला नगर है। और डेमोग्राफिक फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ की लगभग 84% आबादी पढ़ी लिखी है। यहाँ की आबादी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात लगभग 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं हैं। यहाँ भी विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। वैसे सबसे ज्यादा यहाँ बंगाली ही बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ भोजपुरी, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश जैसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। धर्म के आधार पर जनसंख्या को वर्गीकृत किया जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में मानने वाले लोग रहते हैं, जिसकी संख्या लगभग 75% के आसपास है। 21वीं सदी के शहर के साथ इस्लाम में विश्वास करने वाले लोग सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। इसके अलावा सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म के लोग भी काफी छोटी मात्रा में पाए जाते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये पश्चिमी बंगाल की इकोनॉमी का हृदय कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी कई बड़ी कंपनियां अलग अलग फील्ड में काम करती हैं। 60 से 70 के दशक में ये कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड थी। इसके अलावा यहाँ कोयले और देश भर में होने वाले व्यापार की वजह से यहाँ काफी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी। कोयले के मामले में भी ये जगह बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये खदानें शहर से दूर हैं, लेकिन लगभग 600 मीटर की गहराई तक यहाँ 49 अरब टन शुद्ध कोयला मौजूद है। ईस्टर्न रेलवेज के 4 बड़े डिविजन्स में से एक आसनसोल में मौजूद है, जो हजारों लोगों को नौकरियां देता है। इसके अलावा भी यहां रेलवे के क्षेत्र में काम करने वाली कई विशाल कंपनियां मौजूद हैं। प्रसार भारती का हाई पावर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन भी आसनसोल में ही मौजूद है, जो पूरे बंगाल में केबल चैनल्स का प्रसारण करता है। आसनसोल में ही ऑल इंडिया रेडियो के 4 रेडियो स्टेशन मौजूद हैं, जो विभिन्न फ्रीक्वेंसीज पर लोगों को एंटरटेन और शिक्षित करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से देखें तो ये शहर 2500 साल पुराने ट्रेड रूट पर मौजूद है, जिसको आज के समय जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। ये जीटी रोड नेशनल हाईवे 19 के रूप में जाना जाता है। नेशनल हाईवे 19 अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है, जिसमें भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ने का प्लान शामिल है। SBSTC यहाँ से डेली बंगाल के बड़े शहरों तक बस सेवाएं उपलब्ध करवाता है, जिसमें आसपास के राज्यों के भी कई रूट शामिल हैं। रेलवे की बात तो हम पहले भी कर चुके हैं, जैसा कि हमने बताया कि ये शहर ईस्टर्न रेलवेज के 4 डिविजन्स में से एक का घर है। ये शहर दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन के बीच में आता है, जो आसनसोल जंक्शन के माध्यम से पूरे भारत के बड़े बड़े शहरों तक जुड़ा है। यहाँ का करीबी एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जिसे अंदल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये एयरपोर्ट बर्धमान जिले में मौजूद है। विदेशों तक जाने के लिए कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको ये शहर कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एक्सप्लोर YRS के साथ।